आपके सामने लेकर आया हूं काफी लोगों के सवाल और उनके जवाब। सब लोग जमा हो रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के मैं बात करूंगा। तब तक इतना ही बोलूंगा कि हमारा चैनल जो है वो काफी लोग पसंद करते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, मगर लोग चाहते थे कि हमने दूसरा मोटिवेशनल चैनल चालू करना चाहिए, इसलिए दूसरा एक चैनल है लाइफ कोच करके, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर भी आप ज्वाइन करके जो भी मोटिवेशनल वीडियो आते हैं उसका लाभ ले सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन अर्थात जल्दी निकल जाना, इसके बारे में लोगों के क्या सवाल आते हैं और उसके लिए हमने मतलब उनके क्या सवालों के जवाब क्या है उसके बारे में। राइट, तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन मतलब जल्दी निकल जाना या जल्दी फॉल होना, ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है वैसे देखा जाए तो। एक स्टडी के अनुसार एक रिसर्च किया गया 500 कपल का, 500 कपल्स, और 30 से 40% मतलब 30% से लेकर 40% इतने लोगों को या इतने लोगों ने ये बताया कि हमको जल्दी निकल जाता है, वो कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए थे। जल्दी नॉर्मल होना मतलब जल्दी निकल जाना ये आम आदमी का प्रॉब्लम है। और हमारे पास में जो लोग आते हैं, मेरे पास में मेरे कंसल्टेशन में जो लोग आते हैं, वो लोग तो ये बोलते हैं मतलब 100 में से 90 लोग ये बोलते हैं कि हमारा जल्दी निकल जाता है। तो उसके बारे में सोचा कि भाई उसके लिए क्या हम सवाल जवाब कर सकते हैं, जो लोग काफी सवाल पूछते हैं, तो ताकि आप लोगों को उससे जानकारी होंगी और आप कुछ ना कुछ कर सकोगे। तो उसमें पहला सवाल जो है वो ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या ये नॉर्मल है जल्दी निकल जाना, जल्दी निकल जाना क्या है नॉर्मल है। तो इसका जवाब ये है कि जल्दी निकल जाना ये नॉर्मल है, उसमें कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो दोनों के लिए प्रॉब्लम है मतलब ऐसा कि दोनों खुश है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों खुश है, मगर यदि एक व्यक्ति भी उसमें नाखुश है सेक्स में तो वो प्रॉब्लम है। आपको समझ रहे हैं आप कि एक व्यक्ति नाखुश है तो जल्दी निकल जाना प्रॉब्लम है, दोनों खुश है दोनों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर वो जल्दी निकल जाना प्रॉब्लम नहीं है। वैसा सवाल यह है कि क्या फोरप्ले करते करते जल्दी निकल जाता है? हाँ जी, फोरप्ले करते करते बहुत सारे लोगों का जल्दी निकल जाता है और फिर उनको गिल्ट लगता है, उनका अपमान हो जाता है, उनका उनको मतलब इंसल्ट कर देती है पार्टनर, और फोरप्ले करते करते निकल गया तो फिर बाद में वो काम के रहते नहीं क्योंकि फिर लिंक ढीला हो जाता है। सवाल यह है कि क्या इंसर्शन करने के समय निकल जाता है? तो यस, कुछ लोगों का फोरप्ले में निकलता नहीं है, मगर इंसर्जन जब करते हैं, जब योनि में लिंग का प्रवेश होता है, बस होते होते ही लोगों का निकल जाता है और बाद में फिर लिंग ढीला हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। अगला सवाल ये कि कितने परसेंटेज लोगों का जल्दी निकल जाता है आम पॉपुलेशन में? तो आम पॉपुलेशन में आम तौर पर आम पब्लिक में 30 से 40% मतलब 100 में 30 से 40 लोगों का जल्दी निकल जाता है। सवाल यह है कि कितना जल्दी लोगों का निकल जाता है, कितने जल्दी? तो देखिए, यदि 1 मिनट से जल्दी निकल जाता होगा, 1 मिनट से जल्दी निकल जाता है तो वो प्रॉब्लम है, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश होने के 1 मिनट के अंदर ही निकल जाता है तो वो प्रॉब्लम है। यूजुअली लोगों का 3 मिनट से लेके 33 मिनट तक इतना रेंज पाया गया एक स्टडी में, 3 से 33 मिनट। आम तौर पे जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें ये पाया गया है कि 5 मिनट और 40 सेकंड का टाइम जो है वो नॉर्मल है, 5 मिनट 40 सेकंड मतलब 5 मिनट 40 सेकंड तक लोग सस्टेन कर पाते हैं। तो 5 मिनट 40 सेकंड आपका है तो वो एवरेज में है, 1 मिनट से कम है तो दोनों नाखुश है जल्दी निकल गया, 1 मिनट से 3 मिनट है तो मीडियम प्रॉब्लम है, 3 मिनट से 5 मिनट है तो माइल्ड प्रॉब्लम है, और 5 मिनट से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है नहीं।
सवाल यह है नेक्स्ट, क्या एक मिनट से जल्दी निकल जाना यह प्रॉब्लमेटिक है या नॉर्मल है? यस, मैंने इसका जवाब दिया हुआ है कि एक मिनट से जल्दी निकल जाना यह प्रॉब्लम है और यह सीवियर प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि क्या आदमी एक दिन में 30 बार इजैकुलेट कर सकता है? तो आदमी एक दिन में 30 बार इजैकुलेट करना थियोरिटिकल पॉसिबल है, थियोरिटिकली मतलब कागज के ऊपर पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं है। क्यों? क्योंकि 30 बार इरेक्शन लाना क्या होता है कि एक बार का ढीला हो गया, एक बार का कठोरता निकल गई, तो फिर बाद में दूसरी बार कठोरता आना टाइम लगता है, फिर कठोरता आएंगी, फिर करेगा, तो दिन में 30 बार मतलब सोएंगा कब और खाएंगा कब पिएंगा कब, तो 30 बार आना संभव है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ये लगता नहीं कि पॉसिबल है। यूजुअली लोग शादी के बाद में जब पहला महीना रहता है तो 4 से 6 बार दिन भर में संभोग करते हैं, कोई लोग 6 से 8 बार करते हैं, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट सवाल है क्या 30 सेकंड में इजैकुलेट हो जाता है तो क्या ये नॉर्मल है क्या? नहीं, 30 सेकंड में इजैकुलेट हो जाता है तो ये नॉर्मल नहीं है। 5 मिनट 40 सेकंड एवरेज है, 1 मिनट से कम होता है तो वो एबनॉर्मली है। कितना मतलब व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू इजैकुलेट, ये सवाल मेरे पास में आया हुआ है। कितना समय जल्दी समय है, मतलब कितने समय में जल्दी निकल जाता है, तो शॉर्टेस्ट टाइम टू इजैकुलेट इज इन सेकंड्स। सेकंड मतलब इतना है कि जल्दी आसपास में बैठ भी गए और थोड़ा सा भी फोर प्ले किया तो निकल जाता है एकदम सेकंड्स में, और वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि बाद में इरेक्शन निकल जाता है और सेक्स कर नहीं पाते। अगला सवाल है इज इट नॉर्मल टू टेक 45 मिनट्स टू इजैकुलेट? यस, नॉर्मल हो सकता है 45 मिनट तक सेक्स करते रहे इजैकुलेट नहीं हो रहा है, और वो हो सकता है क्योंकि उसने समझो दवाई ली हुई है तो 45 मिनट तक चल सकता है। दूसरा उसने पहले हाथ से निकाला हुआ है तो 45 मिनट तक चल सकता है, पहले सेक्स कर लिया है तो 45 मिनट तक चल सकता है। बहुत सारी स्टडीज में 13 से 15 मिनट टाइम पाया गया है और वो नॉर्मल है। नेक्स्ट सवाल है हाउ कैन आई स्टॉप क्विक रिलीज, जल्दी निकल जाता है उसको बंद में कैसे कर सकता हूं, ऐसा सवाल है। क्विक रिलीज यदि बंद करना है तो आपको क्रीम लगा सकते हैं, मरहम है, स्प्रेज है, वो यदि स्प्रे मारते हैं तो स्क्वीज टेक्निक है, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, थिक कंडोम्स है, एनेस्थेटाइज कंडोम्स है और दवाइयां हैं। उससे भी ज्यादा यदि हाथ से निकाल देते हैं आप पहले तो भी फायदा हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाई कांट गाइस गो 2 राउंड्स, मतलब 2 राउंड क्यों नहीं कर पाते लोग, 2 राउंड एक के पीछे एक नहीं कर पाते, क्योंकि 1 राउंड के बाद में आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, और जब रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है इसका मतलब उस समय इरेक्शन आएगा नहीं, और जब इरेक्शन नहीं आएगा तो सवाल ही नहीं आता सेक्स करने का, तो कुछ समय देना पड़ता है एक बार इजैकुलेट होने के बाद। अब जितने यंग है उतना समय कम है, यदि आप 20 से लेके 25 साल, 20 से लेके 30 साल की उम्र में, तो हो सकता है कि 1 घंटे बाद में, आधे घंटे बाद में आपको सेकंड टाइम इरेक्शन आ जाएगा। 30 से 40 साल की आपकी उम्र है, हो सकता है कि आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे। 40 से 50 साल में हो सकता है कि आपको 1 दिन लग जाएगा फिर से इरेक्शन आने के लिए। हो सकता है 50 साल के बाद में आपको 1 हफ्ता लग जाएगा इरेक्शन आने के लिए। तो ऐसे ये टाइम होता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जल्दी निकल जाने का मुख्य कारण क्या है? जल्दी निकल जाने का मुख्य कारण हो सकता है एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई इमोशनल इश्यूज है तो उससे जल्दी निकल जाता है। दोनों में पट्टी नहीं है, बहुत समय की गैप हो चुकी है, नया पार्टनर है उसके साथ में कर रहे हैं, तो ऐसे ये कॉजेस हो सकते हैं। तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए आपको स्क्वीज टेक्निक का इस्तेमाल करना है, आपको स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना है, डेपॉक्सिटिन प्लस टाडालाफिल ये गोली मिलती है, डेपॉक्सिटिन प्लस सिल्डेनाफिल ये गोली मिलती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन गोलियां मिलती है, डाइजीपाम, लोराइजीपाम, अल्प्रेजोलाम उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये सब दवाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको मिल सकती है, आपके फैमिली डॉक्टर को आप संपर्क कर सकते हैं, और फिर नहीं तो एनेस्थेटाइज कंडोम्स, स्प्रेज,
ऑइंटमेंट्स इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हो गया प्रॉब्लम कि भाई इज्जत का प्रॉब्लम है, आज नहीं हो गया तो प्रॉब्लम, बहुत दिन के बाद में मिल रहे, जल्दी निकल नहीं जाना है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई आप बहुत गैप के बाद में जा रहे हो तो पहले मास्टरबेशन कर लो, गोलियाँ खाओ और बाद में करो, और जब करेंगे तभी भी कंडोम सा स्प्रे लगाओ, तो इससे जल्दी गिरेगा नहीं। जल्दी गिर जाना ये बहुत आम बात है और इससे बहुत सारे तान तनाव आते रहते हैं, तान तनाव से जल्दी निकल जाता है और जल्दी निकल गया करके तान तनाव आते हैं, उसका इलाज करो। आपके प्रोफेशनल डॉक्टर जो है उनको कॉन्टैक्ट करो, प्रोफेशनल हेल्प आपने लेना चाहिए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर नीचे दिए हुए उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करो और आपका जीवन सेक्स लाइफ आप बहुत खुशी का आनंदमय कर सकते हैं। आपका ख्याल रखो, ये वीडियो लोगों को शेयर करो, आपका ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, अपने पत्नी का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।